फटाफट एक आर्टबोर्ड ले लेता हूँ मैं, और मैं आर्टबोर्ड ले लेता हूँ आईफोन 6, 7, 8 के हिसाब से, ठीक है। और इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं, यहाँ कहीं रख लेते हैं। अब और एक और आर्टबोर्ड मैं लेना चाहूँगा, तो एक आर्टबोर्ड और ले लेता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ वेब के हिसाब से, कि ये वाला ले लिया, और इसको उठा के जो है इसको भी हम उठा के यहाँ रख लेते हैं इसके पास में। अब देखिए, मैं इस वाले लेसन में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम डिज़ाइन करते हैं ना वेब के लिए या फ़ोन के लिए, तो हम अधिकतर उसके लेआउट्स में या तो ग्रिड यूज़ करते हैं, कॉलम यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ से एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने वेब का ये लिया कि, और मैंने कहा मेरे को लेआउट ऑन कर दो, ठीक है। तो लेआउट ऑन करेंगे तो देखिए कॉलम्स ऑटोमेटिकली 12 आ गए, 12 कॉलम जो है बूटस्ट्रैप के हिसाब से आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमें बूटस्ट्रैप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना है, तो हम इस पर कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कि लेट सपोज मुझे कोई कार्ड डिज़ाइन करना है, तो मैं ऐसा लेआउट बना सकता हूँ कि ऊपर जो है इतना बड़ा तो मेरा हेडर होगा, और उसके बाद मान लिया कि इतनी बड़ी एक इमेज आएगी जम्बोट्रॉन टाइप की, और उसके बाद मैंने कहा एक इतना बड़ा मेरा कार्ड होगा, ठीक है। और इस तरह के मेरे पास कितने कार्ड होंगे, इस तरह से मेरे पास मैं रख लेता हूँ 2, 3 या 4 कार्ड रख लेता हूँ। तो ये मैंने 3 कार्ड रखे, ठीक है। और तो एक्यूरेसी देख रहे हैं आप, इनकी सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि इनके बीच में मार्जिन कितना रखें। तो वो क्योंकि अगर मेरे पास मैंने पीछे कॉलम ऑन कर रखे होंगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे कितने कॉलम रखने हैं। लेट सपोज बाद में मुझे लेआउट में लगा कि नहीं, मुझे तो ऊपर जो है ऊपर चाहिए इतना इतना चाहिए, ठीक है। और अगला जो है एक कॉलम बनाऊंगा जिसके अंदर एड्स आएंगी, वो इतनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बना दी 12 कॉलम के हिसाब से, मैंने ये डिज़ाइन बना दिया, देखा आपने। तो अगर अब मुझे मान लीजिए कि मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे सब देख पा रहा हूँ, है ना। मैंने आर्टबोर्ड टूल लिया, और उसके बाद मैं अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ओके, अंडू कर लिया, ठीक है। मैंने इस वाले को सेलेक्ट कर लिया, देखिए। तो अब यहाँ से मैं अगर मेरे को बंद करना चाहूँगा, तो कितना क्लीन लेआउट दिखाई देगा, देख रहे हैं आप, कितना क्लीन लेआउट दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसी मुझे आई के हिसाब से कुछ लेआउट बनाना होता है कि वो पैरेलल रहे, यानी कंसिस्टेंट रहे, तो हम ऐसे कॉलम्स में बना सकते हैं। जब फ़ोन के लिए बनाते हैं, तो देखिए फ़ोन में भी अगर आपको कॉलम ऑन करना है, तो आप यहाँ से जाके कॉलम ऑन कर सकते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट 4 कॉलम का दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको बनाना है, तो आप ग्रिड में भी बना सकते हैं, यानी कि स्क्वायर ग्रिड के अंदर। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 8 दिखाता है, लेकिन मैंने एक दो अच्छे डिज़ाइनर्स को देखा है जो इसको चेंज करते हैं और मैक्सिमम रखते हैं 64। तो जब 64 में आप रखते हो, तो देखिए आपके बीच में कितने कॉलम आ जाते हैं, ये आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम इस तरह से आ गए। और इस हिसाब से आप बीच में डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा वाला लेआउट यूज़ करते हैं, आप चाहे कॉलम के अंदर डिज़ाइनिंग करते हैं या आप ग्रिड के अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ऑन एंड यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।